नमस्कार साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला अभी सुनाया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत से संबंध रखता है। और इस फैसले के बारे में आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सुशांत सिंह के ऊपर बहुत सारे लोग फिल्म बनाने के लिए बेताब हो गए थे और बहुत लोगों ने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद सुशांत सिंह के पिता के तरफ से वकील विकास सिंह ने एक याचिका दाखिल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने ये मांग करी थी कि सुशांत सिंह के ऊपर कोई भी फिल्म ना बने, कोई भी डॉक्यूमेंट्री ना बने, कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना हो, जिसकी सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज अचानक ही इस मामले में फैसला आया और ये फैसला बहुत ही अलग आया है, उम्मीदों से अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम इस पे रोक नहीं लगा सकते और जो भी फिल्म बनाना चाहे, जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे, वो बना सकता है डॉक्यूमेंट्री, बना सकता है फिल्में। ये बहुत ही बड़ा एक फैसला आया है। और आपको बता दें कि विस्तार से कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने याचिका दाखिल करके मांग करी थी कि सुशांत से रिलेटेड कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी बुक न लिखी जाए। और इस रोक लगाने वाली याचिका के ऊपर कई दिनों से चल रही थी सुनवाई। आपको ये भी पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत पर दो फिल्में बनाए जाने की पहले ही घोषणा हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इन फिल्म के मेकर्स को नोटिस दिया था और फिल्म से संबंधित कई सारी चीज़ें मांगी गई थी कोर्ट के द्वारा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पे रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। इस याचिका के खारिज होने से फिल्म जो न्याय द जस्टिस से घोषणा हुआ था, उनके जो निर्माता निर्देशक हैं उनके चेहरे पे खुशी देखी जा रही है। और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म की घोषणा करी थी सुशांत के जीवन के ऊपर, उनके चेहरे पे भी खुशी देखी जा रही है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक निर्णय है जिसको लेकर के सुशांत के फैंस में एक बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा है, रोष है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है था कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत के जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें कोई फैसला ना आ जाए, तब तक कोई भी फिल्म ना बने, कोई भी कमर्शियल गतिविधियां ना हो इस विषय पे। लेकिन ये फैसला थोड़ा अजीब आया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में न्याय व्यवस्था ऐसी है कि हम कोर्ट के फैसले का हमेशा स्वागत करते हैं और उनके फैसले का सम्मान करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनने वाली किसी भी तरह की फिल्म पर रोक लगाने की मांग करी थी और इनके जीवन पर जो एक फिल्म जो बनी है वो हो सकता है कि 11 जून को रिलीज भी हो जाए। और आज सुबह ही 10:30 बजे जो जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इस फैसले पर मुहर लगाई है और इस मुहर से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफ़ी सकते में हैं और काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा फैसला आए कोर्ट का जिससे कि कोई भी जांच प्रभावित हो और सुशांत सिंह राजपूत के नाम का कमर्शियल इस्तेमाल हो। लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर देखना है कि किस प्रकार से अब लोगों का एक प्रतिक्रिया आता है और फैमिली क्या आगे मूव करती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जो भी होगा, ये कानूनी दाव पे जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील है विकास सिंह, उनको ज़्यादा जानकारी होगा और वही अगला स्टेप लेंगे। बाकी इसमें ये जो फैसला है इससे कई लोग और आगे आ सकते हैं जो फिल्म बनाने की घोषणा कर देंगे और फिल्म से संबंधित और डॉक्यूमेंट्री, बुक्स वगैरह से संबंधित चीज़ों पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। और सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सुशांत के फैंस की, कि वो इस फैसले को किस प्रकार से लेते हैं और उनकी अगली रणनीति क्या होगी और क्या वो बॉलीवुड में बन रहे अब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फिल्मों और उनके डॉक्यूमेंट्री को ऊपर कुछ उनका क्या रोक होता है और क्या करते हैं, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन कोर्ट का जो अभी फैसला आया है उसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और उन कोर्ट के फैसले के ऊपर आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा, क्या होगा देखा जाएगा। परंतु अभी का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को एक थोड़ी सी दिल में शंका और दिल में थोड़ी सी दर्द, लेकिन फिर भी हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे चल के इस केस में क्या क्या अपडेट्स होता है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे और जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बाकी अगले अपडेट के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।